बहुत समय पहले की बात है, अर्चना अपनी सौतेली माँ विनीता के साथ रहती थी। अर्चना की सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह अर्चना से घर का सारा काम कराती थी और अगर काम होने में कुछ भी गलती हो जाती थी तो विनीता अर्चना की बहुत पिटाई भी क्या करती थी। विनीता की भी अपनी एक बेटी थी काजल, जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बुरे स्वभाव की थी। वह भी अर्चना को बहुत परेशान क्या करती थी। ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी अर्चना जी रही थी। एक दिन अर्चना बर्तन धो रही थी, तभी उसके हाथ से एक कांच का ग्लास गिरकर टूट जाता है। तभी वहां पर विनीता आती है और अर्चना के एक जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, क्यों री करमजली, तूने इतना महंगा ग्लास तोड़ दिया? आजकल तेरा दिमाग कहाँ रहता है? तो इस तरह से हमारा नुकसान करते रहेगी। आज तो ये ग्लास टूट गया है, अगर आज के बाद तूने कुछ भी तोड़ा तो मार मार कर मैं तेरी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। समझ आ रही है? मनहूस रोज रोज बर्तन तोड़ती रहती है, जैसे पैसे तो पेड़ पर लगे हैं। चल यहाँ से। मनहूस, ठीक है माँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, कोई भी बर्तन मुझसे न टूटे। ऐसा कहकर अर्चना रोते हुए अपने काम में लग जाती है। तभी कुछ समय बाद विनीता की अपनी बेटी काजल आती है और वह विनीता से कहती है, मम्मी लगता है अब तुम सब बातें भूल ही जाती हो और मुझे भी याद नहीं था। अगर अभी मुझे मेरी फ्रेंड फोन करके नहीं बताती कि 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और अभी तक आपने कोई तैयारियां भी नहीं की, और अभी तो मुझे शॉपिंग करने भी जाना है। आखिर बर्थडे गर्ल को अपने जन्मदिन पर सुंदर ड्रेस भी तो पहननी होगी। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं तो तेरा जन्मदिन भूल ही गई थी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे शॉपिंग भी कराती हूँ और घर को पूरी तरह दुल्हन की तरह सजवाऊंगी भी। ये ले मेरा एटीएम कार्ड, तुझे जितने पैसे लेने हैं लेकर शॉपिंग कर लेना। जा मेरी बच्ची, 2 दिन बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है, देखो तो मैं कैसे भूल गई। मेरी प्यारी बच्ची, तुझे जो भी कुछ लेकर आना है लेकर आ जा। ऐसा कहकर विनीता काजल को शॉपिंग करने के लिए भेज देती है। यह सब बातें काम करती हुई अर्चना भी सुन रही थी। यह सुनकर खुश हो जाती है कि 2 दिन बाद काजल का जन्मदिन है, क्योंकि 2 दिन बाद ही अर्चना का भी जन्मदिन आता है। अर्चना खुशी खुशी अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ 2 दिन बाद काजल दीदी का जन्मदिन है और 2 दिन बाद ही मेरा जन्मदिन आता है। माँ आप कह रही थी ना, आप काजल दीदी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगी, तो क्या आप मेरे जन्मदिन के लिए एक छोटा सा केक मंगा सकती हैं और एक सस्ती सी जन्मदिन के लिए ड्रेस मंगा सकती हैं? अगर आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर देंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर पाऊंगी। अगर 2 दिन बाद तेरा जन्मदिन है तो मैं क्या करूं? मुझे तो जैसे नौकरानी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने में कोई खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए चुपचाप काम करना शुरू कर दे। मेरी बेटी का जन्मदिन मैं बहुत धूमधाम से मनाऊंगी, घर को पूरी तरह दुल्हन की तरह सजा देना। मैं मेरी बेटी के जन्मदिन में कोई कमी नहीं देखना चाहती, समझ आ रही है? मैं तेरा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करूंगी, न तेरे लिए छोटा सा केक मंगाऊंगी और न ही तेरे लिए सस्ती सी कोई ड्रेस। अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरी बेटी ने अपने पुराने कपड़े दिए थे, उन्हें पहनकर ही अपना गुजारा कर। चल यहाँ से, अभी बहुत सारा काम करना है। आई बड़ी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली। ऐसा कहकर विनीता बेचारी अर्चना को दुत्कार कर काम करने के लिए कहती है। अर्चना रोते हुए काम करती है और पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा देती है और काजल के जन्मदिन की सारी तैयारियां देखकर बहुत रोती है, क्योंकि 2 दिन बाद उसका भी जन्मदिन था लेकिन उसके जन्मदिन के लिए एक छोटा सा केक भी नहीं आ रहा था। यह सब देखकर अर्चना बहुत रोती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। काजल केक काटने के लिए बहुत सुंदर गाउन पहनकर आती है और उसके जन्मदिन का केक भी बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे मेहमान आते हैं, काजल की फ्रेंड आती हैं और बेचारी अर्चना अपने जन्मदिन पर सब मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी। तभी अर्चना के हाथ से कोल्ड ड्रिंक काजल की फ्रेंड की ड्रेस पर गिर जाती है। तभी वह अर्चना के ऊपर बहुत चिल्लाती है और काजल से कहती है, काजल यह तुमने कैसी नौकरानी रख रखी है, इसने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी, ऐसी नौकरानी को तो तुरंत निकाल देना चाहिए। अपनी फ्रेंड की यह बातें सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और वह सबके सामने अर्चना की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है,
तूने जानबूझकर ऐसा किया है ना, ताकि मेरे जन्मदिन पार्टी खराब हो जाए। आज तेरा भी जन्मदिन है और माँ ने तेरे लिए एक छोटा सा भी केक नहीं मंगाया, इसलिए तू मेरे जन्मदिन की पार्टी खराब करना चाहती है। चले जाए यहाँ से, तेरी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। मम्मी, इस नौकरानी को एक हफ्ते तक खाना मत देना और इतना सारा काम कराना कि इसे पता चल जाए कि हमसे पंगा लेने की क्या सजा होती है। काजल दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं गिराई, वो तो आपकी फ्रेंड आपस में बातें कर रही थी, उनका ध्यान कोल्ड ड्रिंक लेने में नहीं था, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक गिर गई। मेरी कोई गलती नहीं है और मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। आप मुझे अपनी सौतेली बहन समझती हैं, लेकिन मैंने कभी आपको अपनी सौतेली बहन नहीं समझा, मैं आपको अपनी सगी बहन ही समझती हूँ। ऐसा कहकर अर्चना रोते हुए अपने स्टोर रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर देखकर बहुत रोती है। माँ, आपको तो सब दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आपको पता है मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती है, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोचती। माँ, आज मेरा भी जन्मदिन है, लेकिन मैं खुशी खुशी काम कर रही थी, लेकिन फिर भी मेरी सौतेली बहन को लगता है कि उनके जन्मदिन पार्टी को खराब करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। माँ, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? और पिताजी भी इतनी दूर काम करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। माँ, मुझे आपके पास बुला लो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। माँ, मुझे अपने पास बुला लो। माँ, ऐसा कहकर अर्चना बहुत रो रही थी, तभी अर्चना की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है। मेरी प्यारी बच्ची, चुप हो जा, मुझे सब पता है। विनीता और काजल तुझसे घर का कितना काम कराती हैं और तू इतनी छोटी उम्र में घर का सारा काम करती है और कभी उफ तक भी नहीं कहती, फटे पुराने कपड़े पहनती है और अपने पिता को भी इसके बारे में कभी नहीं बताती कि तेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन तेरे ऊपर कितना अत्याचार करती हैं। मेरी बेटी का दिल बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा भी। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर रोता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुझे आज एक जादुई केक देती हूँ। यह जादुई केक कभी खराब नहीं होगा, तो इससे जो भी कुछ मांगेगी तुझे तुरंत मिल जाएगा और तू इससे जो भी कुछ काम करने के लिए कहेगी यह काम भी तुरंत कर देगा। अब तुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी प्यारी बच्ची। माँ, आप कितनी अच्छी हो, आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर जादुई केक दिया। अब मैं इसकी मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बच पाऊंगी। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे संसार में माँ से अच्छा कोई नहीं हो सकता और सौतेली माँ से भी बुरा कोई और नहीं हो सकता। अर्चना बेटा, सौतेली माँ बुरी नहीं होती, अच्छे बुरे इंसान तो हर कहीं होते हैं, इसलिए हम सबको एक समान नहीं समझ सकते। विनीता बहुत बुरी है, लेकिन सौतेली माँ तो बहुत अच्छी भी होती हैं। तुम्हें पता है मेरी माँ भी सौतेली थी और वह मुझे बहुत प्यार से रखती थी, मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। बेटा, हमें कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह लो अपनी माँ का जादुई केक। और हाँ बेटा, एक बात का ध्यान रखना, यह जादुई केक ना तो कभी काटना और ना ही कभी इसे खाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। अर्चना अपनी माँ की बात बहुत अच्छे से समझ जाती है और वह अपनी माँ का जादुई केक लेकर बहुत खुश थी। अर्चना जादुई केक से कहती है, माँ के जादुई केक, जल्दी से मेरे सामने बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस आ जाएं और बहुत सारे नए नए पकवान आ जाएं और एक बहुत अच्छा जन्मदिन के लिए केक भी आ जाए। अर्चना के इतना कहते ही माँ के जादुई केक से बहुत सारे नए नए पकवान, बहुत सारे ड्रेस और एक बहुत बड़ा केक आ जाता है। यह देखकर अर्चना और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वह एक सुंदर ड्रेस पहनती है और एक बड़ा केक लेकर गरीब बस्ती में चली जाती है और वहाँ के गरीब और अनाथ बच्चों के साथ अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, अर्चना बहुत ज्यादा खुश थी। तभी विनीता अर्चना के पास आती है और उससे कहती है,
तूने कल मेरी बेटी की जन्मदिन पार्टी खराब की थी ना, तुझे एक हफ्ते तक खाना नहीं मिलेगा। और हाँ, काम करने के साथ साथ रोज तो दो बोरियां गेहूं भी पीसेगी, ठीक है? अर्चना सभी काम करने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसे पता था उसके पास उसकी माँ का जादुई केक है, जिसकी वजह से वह तुरंत सभी काम कर देगी, उसे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। इसलिए अर्चना अपनी सौतेली माँ से सभी काम करने के लिए कह देती है और वहाँ से आ जाती है। अब अर्चना अपनी माँ के जादुई केक की वजह से अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के अत्याचार से बच पा रही थी और जादुई केक से काम करा देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी आपने कुछ नोट किया है? एक हफ्ता हो गया, आपने उस नौकरानी को कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया और घर का सारा काम कराती हैं और दो बोरियां गेहूं भी रोज पिसवाती हैं, लेकिन फिर भी उस मनहूस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, खुशी खुशी सब काम कर देती है। अगर इंसान एक दिन कुछ नहीं खाता तो कितना कमजोर हो जाता है, लेकिन देखो तो इसकी हड्डियों में कितनी ताकत है, इसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। मम्मी कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है और हमें जो दिखाई नहीं दे रहा हो? हाँ मेरी बच्ची, कहता तो बिल्कुल ठीक ही रही है, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। पहले तो एक काम मर मर कर करती थी और इतना ज्यादा खाती थी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चल इसके स्टोर रूम में जाकर पता करते हैं आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर विनीता और काजल स्टोर रूम में जाकर देखती हैं, तो वहां दोनों माँ बेटी को पता चल जाता है कि अर्चना के पास जादुई केक है, जिसकी वजह से वह कुछ भी मांग सकती है और काम भी करा सकती है। यह देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और जब रात हो जाती है तो दोनों माँ बेटी अर्चना की माँ का जादुई केक चुरा कर अपने रूम में ले आती हैं। तभी विनीता काजल से कहती है, काजल अब हम जादुई केक की मदद से बहुत अमीर हो जाएंगे और उसके बाद हम इस छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए इस मनहूस लड़की को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा कहकर काजल और विनीता खुश हो रही थीं। तभी विनीता जादुई केक से बहुत सारी धन दौलत मांगती है, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं आता। तभी काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी कभी इस जादुई केक को काट कर खाना पड़ता हो तभी ये हमारी ख्वाहिश को पूरा करता हो। पहले हम इस जादुई केक को काट कर थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद हम जादुई केक से कुछ भी मांग लेंगे। ऐसा कहकर काजल जादुई केक को काट देती है और दोनों माँ बेटी थोड़ा थोड़ा खा लेती हैं, जिसकी वजह से दोनों माँ बेटी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद अर्चना को इसके बारे में सब पता चल जाता है कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने जादुई केक काटकर खा लिया है। तभी अर्चना कहती है, माँ और काजल दीदी आपको इतना लालच नहीं करना चाहिए था, आपके पास इतनी सारी धन दौलत थी लेकिन फिर भी आपने मेरी माँ का जादुई केक चुरा कर बहुत सारी धन दौलत लेनी चाहिए, जिसका परिणाम आपको मिल चुका है। माँ मुझसे हमेशा समझाती थी लालच बुरी बला होती है और आपको आपके लालच का फल मिल गया। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में काजल अपने भाई अमित और भाभी उर्मिला के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट में काजल के माता पिता का निधन हो चुका था। माता पिता के जाने के बाद काजल की जिंदगी में अंधेरा छा गया था, क्योंकि काजल की भाभी उर्मिला बहुत ही चतुर और चालाक थी। उर्मिला काजल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी, उसे हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती थी। काजल एक फैशन डिजाइनर थी। एक दिन काजल अपनी भाभी से कहती है, भाभी अब मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए, मैं एक अच्छी फैशन डिजाइनर हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक बुटीक खोलूं। माँ पिताजी का भी सपना था कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माता पिताजी का नाम रोशन करूं। हाँ हाँ आई बड़ी अपने माता पिताजी का नाम रोशन करने वाली, मुझे नहीं पता कि तू फैशन डिजाइनर है या कुछ और, मैं तुझे तेरा करियर नहीं बनाने दूंगी। घर में इतने सारे काम होते हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन साफ करने कपड़े धोने, ये काम कौन करेगा? तेरी माँ क्या कोई नौकरानी छोड़कर मरी है? महारानी बुटीक खोलेगी। भाभी मेरे माता पिताजी को तो कुछ ना कहो, वो अब इस दुनिया में नहीं है। देख मनहूस, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे धक्के मारकर घर से ना निकालूं तो चुपचाप वैसा कर जैसा मैं तुझसे करने के लिए कहती हूँ, वरना तो उर्मिला को जानती नहीं है, अब खड़ी खड़ी रोती रहेगी या फिर इतना सारा काम है उसे कौन करेगा,
अब चल काम पर जुट जा। बेचारी काजल रोते हुए काम करने आ जाती है। काजल के आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं था। भाई गांव से बाहर शहर काम क्या करता था और घर में भाभी इतना जुल्म और अत्याचार करती थी। काजल रोते रोते घर का सारा काम करके अपनी भाभी के पास जाती है और कहती है, भाभी आपने जो भी काम मुझे करने के लिए दिया था वो मैंने सब खत्म कर दिया। भाभी किचन में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आपने कुछ बनाया नहीं है क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने बाहर से खाना मंगाया था और उसे खा लिया। तुझे खिलाना मैंने जरूरी नहीं समझा, अगर भूख लग रही है तो बना और खा। मगर भाभी मुझे कुछ बनाना नहीं आता, आपको अच्छी तरह पता है। क्या अब मैं भूखी ही सो जाऊं? हाँ भूखी सो जा, अगर एक दिन नहीं खाएगी मर तो नहीं जाएगी। सुबह मेरा दिल करेगा मैं अपने लिए बनाऊंगी, उसी में से कुछ तेरे आगे भी डाल दूंगी। अब चल यहाँ से, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। काजल चुपचाप अपने रूम में आ जाती है। काजल को बहुत भूख लग रही थी मगर कुछ खाने के लिए नहीं था और उसे कुछ बनाना भी नहीं आता था, इसलिए काजल पानी पीकर सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। काजल दिन रात काम करती और खाने के लिए दो दिन में तीन दिन में एक बार मिलता था। एक दिन काजल की फ्रेंड सपना काजल के पास आती है और उससे कहती है, अरे यार काजल तुझे क्या हो गया, तू तो बहुत पतली दुबली हो गई, पहले तो बहुत गोल मटोल थी, क्या कुछ खाने के लिए नहीं मिलता? कुछ नहीं सपना, बस ये समझो जिंदा हूँ मरी नहीं, वरना मेरी भाभी ने तो मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया था। खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ इतने दिन बाद मुझसे क्यों मिलने आई हो? काजल हमारे गांव में एक फैशन वीक होने वाला है। सपना ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कितनी अच्छी मॉडल हो। हाँ काजल कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मैं एक अच्छी मॉडल हूँ, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। फैशन वीक में साड़ी कंपटीशन है और मुझे कोई अच्छी फैशन डिजाइनर नहीं मिल रही, तो मुझे तुम याद आ गई। तुमसे अच्छा तो कोई फैशन डिजाइनर हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरी सभी साड़ियाँ तुम डिजाइन करोगी। काजल मुझे मना मत करना, एक तू ही है मेरी आखिरी उम्मीद, प्लीज काजल। सपना की बातें सुनकर काजल सपना को सब बता देती है। तभी काजल सपना से कहती है, देख सपना मैंने तुझे अपने घर के हालात बता दिए, तू मेरी बचपन की दोस्त है इसलिए मैं तेरा सपना टूटते नहीं देख सकती। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं भाभी से छुपकर तेरे लिए साड़ी डिजाइन कर दूं। काजल की बातें सुनकर सपना खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। मगर सपना और काजल की बातें उर्मिला सुन लेती है। काजल जल्दी जल्दी घर का काम करती है और जो मटेरियल सपना काजल को देकर गई थी उसी से रात को जाग जाकर सपना के लिए साड़ी डिजाइन करती है। और जब सभी साड़ियाँ तैयार हो जाती हैं, उर्मिला मौका देखकर उनमें आग लगा देती है और कहती है, आई बड़ी अपनी दोस्त की मदद करने वाली, अब देखती हूँ सपना से काजल को कौन बचाता है, इतने बड़ा नुकसान के लिए तो सपना काजल को जेल करा देगी। ऐसा कहकर उर्मिला बहुत हंसती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह होने के बाद काजल सभी साड़ियों को जलता देख बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बहुत रोती है। अरे ये क्या हो गया, सपना की सभी डिजाइन की गई साड़ियाँ जल गई और कल से तो फैशन वीक शुरू होने वाला है, अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नहीं नहीं ये क्या हो गया, अब मैं सपना को क्या जवाब दूंगी। ऐसा कहकर काजल बहुत रोती है। तभी काजल के सामने काजल के स्वर्गवासी माँ आ जाती है। काजल मेरी प्यारी बच्ची तू इस तरह से मत रो, मुझसे तेरी तड़पन देख ही नहीं जा रही, मैं तेरी मदद करने आई हूँ। माँ आप मुझसे स्वर्ग से मिलने आई हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। माँ मैंने जो सपना के लिए साड़ियाँ डिजाइन की थी उन्हें किसी ने जला दी। माँ ये साड़ियाँ मैंने बहुत मेहनत से डिजाइन की, दिन में काम करती थी और भाभी की पिटाई खाती थी और रात को जाग जाग कर सपना के लिए नए नए डिजाइन की साड़ियाँ तैयार की थी। माँ ये साड़ियाँ कैसे जल गई? हाँ मेरी बच्ची मुझे सब पता है, स्वर्ग से मैं सब देखती हूँ तेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। अमित भी यहाँ पर नहीं है वरना तेरे ऊपर इतना अत्याचार नहीं होता।
मगर बेटा तू परेशान मत हो, आज मैं तुझे एक जादुई साड़ी देती हूँ जिसकी मदद से तू तरह तरह की नए नए डिजाइन की साड़ियाँ मांग सकती है। क्या सच में माँ आप मुझे जादुई साड़ी देंगी? काजल की स्वर्गवासी माँ उसे जादुई साड़ी दे देती है जिसे देखकर काजल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी काजल की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। काजल अपनी माँ की दी हुई जादुई साड़ी से नए नए डिजाइन की साड़ियाँ मांगती है। तभी उसके सामने बहुत अच्छी अच्छी नई नई डिजाइन की साड़ियाँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर काजल बहुत ही खुश होती है। कुछ समय बाद सपना साड़ियाँ लेने आ जाती है। काजल सपना को साड़ियाँ दे देती है, जिन्हें देखकर सपना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है, अरे यार काजल, तेरे हाथ में तो जादू है, तूने इतने कम समय में कितनी सुंदर सुंदर नए नए डिजाइन की साड़ियाँ तैयार कर दी। सच में तुझसे अच्छा फैशन डिजाइनर तो कोई हो ही नहीं सकता। देखना, तेरी डिजाइन की गई साड़ी की वजह से मैं इस फैशन वीक को जीत पाऊंगी। सपना खुशी खुशी अपनी साड़ियाँ ले जाती है। यह देखकर उर्मिला आग बबूला हो जाती है। उर्मिला सोचती है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सभी साड़ियाँ जला दी थी, फिर इस काजल की बच्ची ने इतनी जल्दी इतनी सुंदर सुंदर नए नए डिजाइन की साड़ियाँ सपना को कहाँ से दी, मुझे पता करना होगा। ऐसा सोचकर उर्मिला काजल के पास जाती है और काजल के जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और उससे पूछती है कि उसने इतनी जल्दी इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ कहाँ से तैयार की। काजल उर्मिला को सब सच बता देती है, भाभी मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने एक जादुई साड़ी दी थी जिसकी मदद से मैंने सुंदर सुंदर नए नए डिजाइन की साड़ी सपना को दी है। काजल की बातें सुनकर उर्मिला को लालच आ जाता है। उर्मिला काजल के एक जोर से थप्पड़ मारती है। उर्मिला काजल से वह जादुई साड़ी ले लेती है। अब मेरे हाथ में जादुई साड़ी है जिसकी मदद से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी और तुझ जैसी मनहूस लड़की को अपने घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। चल निकल मेरे घर से। उर्मिला काजल से वह जादुई साड़ी लेकर और उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देती है। काजल रोते हुए घर से चली जाती है और एक सड़क के किनारे बैठकर बहुत रोती है। भाभी ने तो मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया, भाभी ने मुझसे जादू साड़ी भी छीन ली, मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, अब मैं कैसे जीऊंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा। ऐसा सोच सोच कर काजल रो रही थी। तभी काजल की फ्रेंड सपना आ जाती है और काजल से कहती है, काजल तू यहाँ बैठकर रो रही है, तुझे नहीं पता आज फैशन वीक का लास्ट डे है, चल मेरे साथ, देखना विनर तो मैं ही हूँगी क्योंकि अब तक फर्स्ट रैंक पर हूँ मैं। सपना काजल को अपने साथ ले जाती है। सपना की सभी साड़ियाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, जिन्हें पहनकर सपना भी बहुत सुंदर लग रही थी और जिसकी वजह से सपना ही फैशन वीक की विनर होती है। फैशन वीक में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जज बनकर आई हुई होती है। एक्ट्रेस सपना से कहती है, सपना तुम्हारी पूरी फैशन वीक में सभी साड़ियाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, मैंने आज तक इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन की गई साड़ियाँ नहीं देखी, मुझे अपने फैशन डिजाइनर का नाम तो बताओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उस एक्ट्रेस के इतना कहते ही सपना काजल की तरफ इशारा कर देती है और उस एक्ट्रेस को बता देती है कि उसकी फैशन डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि काजल ही है। वह एक्ट्रेस काजल से मिलकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, काजल वाकई में तुम बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर हो, क्या तुम मेरी फैशन डिजाइनर बनोगी, आज के बाद से तुम ही मेरी सभी ड्रेसेस डिजाइन करोगी, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया महीना और एक अपार्टमेंट दूंगी, ठीक है। एक्ट्रेस की बातें सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है। काजल कुछ ही समय में एक बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है और कुछ ही समय में काजल बहुत अमीर भी हो जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद काजल अपने भाई और भाभी से मिलने आती है। काजल वहां आकर देखती है तो उर्मिला एक व्हील चेयर पर बैठी थी। तभी काजल उर्मिला से पूछती है, भाभी ये आपके साथ क्या हुआ? काजल मैंने तेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार किया था, बस उसी की सजा है, मैंने तुझसे जादुई साड़ी छीनकर तुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया था,
ये भी नहीं सोचा कि हमारे सिवा तेरा कोई और नहीं है। मगर शायद मैं भूल गई थी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ये सब कुछ जादुई साड़ी ने किया है। जादुई साड़ी से साड़ियाँ नहीं बल्कि सांप निकल कर आए थे और उन्होंने मुझे डस लिया था। जहर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे पैर काटने पड़े। शुक्र है तुम्हारे भाई टाइम पर आ गए, वरना तो मेरी जान चली जाती। उर्मिला बहुत रो रो कर काजल से माफ़ी मांगती है। काजल अपनी भाभी को माफ़ कर देती है और कहती है, भाभी मैंने आपको माफ़ किया, आपको अपनी गलती का पछतावा है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाभी आपको पता है मैं कितनी बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई, सिर्फ माँ ने जो मुझे जादुई साड़ी दी थी उसकी मदद से। अब हम खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। काजल अपनी भाभी के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है।